जिला सोलन के अर्की उपमंडल में कई ऐसे पर्यटन व धार्मिक स्थल हैं जिनका सौंदर्यीकरण कर विश्व मानचित्र पर लाया जा सकता है। ऐसा ही एक क्षेत्र है सरयांज पंचायत के बाड़ीधार की पहाड़ी के नीचे बसा गरुड़नाग। ये स्थान काफी पौराणिक माना जाता है। लोगों ने गरुड़नाग में बने तालाब को विकसित करने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि इसका सौंदर्यीकरण, इस धरोहर को बचाया जाए। अर्की उपमंडल के तहत सरयांज पंचायत के बाड़ीधार की पहाड़ी के नीचे बसा गरुड़नाग स्थान काफी पौराणिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर किसी समय गरुड़ व नाग के बीच लड़ाई हुई थी। इनके मध्य इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि इस स्थान पर लड़ते लड़ते जमीन धंस गई थी। बाद में ये स्थान तालाब में तब्दील हो गया। यहाँ वर्ष भर पानी भरा रहता था। स्थानीय लोग इस पानी को रोजमर्रा के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते थे। गरुड़नाग गांव के स्थानीय लोगों ने कहा कि इस गांव में तालाब सदियों पूर्व का बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये स्थान कई वर्षों पूर्व पानी से लबालब भरा रहता था। इसका पानी जहां पीने के उपयोग में लाया जाता था, वहीं ये पानी पशुओं के लिए और अन्य जरूरतों को भी पूरा करता था। लोगों ने गरुड़नाग में बने तालाब को विकसित करने की गुहार लगाई है और कहा है कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और इस धरोहर को बचाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसका इतिहास जान सके। जो ये स्थान है, यहाँ पर हमारे पूर्वज बताते हैं कि यहाँ पर पहले गरुड़ और नाग का युद्ध हुआ था, जिसके बाद यहाँ का नाम गरुड़ नाग पड़ गया और उसके बाद ये जगह डाउन में भी चली गई थी। और इसके पीछे गहरा इतिहास है और ये हम सब के लिए एक पौराणिक चीज़ों में से एक है। तो मैं प्रशासन से यह निवेदन करता हूँ कि वो इस विषय के ऊपर गौर चिंतन करें और इसे अच्छी तरह से सुधारे ताकि भविष्य के लिए भी ये युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना रहे। मेरी शादी को कम से कम 18 साल हो गए। यहाँ पे जो हमारे यहाँ पोखर है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि यहाँ पे मतलब जो पहले कभी गरुड़ और नाग आपस में मतलब उनका झगड़ा हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी उनकी। तो कहते कि जो गरुड़ो इस साइड को गए थे, मतलब दाहिनी साइड को, और जो नाग है वो ऊपर साइड को गए थे, मतलब लेफ्ट साइड को। तो यहाँ पे मतलब पहले ना काफ़ी पानी भरा रहता, पूरी मतलब जो पानी से भरी रहती थी है। और जो यहाँ से पानी जो मतलब पीने के लिए भी यूज़ होता है, हमारे पशुओं के लिए भी यूज़ होता है। मैं सरकार से यही डिमांड करती हूँ कि हमारे इस पानी का जो मतलब संरक्षण किया जाए। ये जो स्थान है ये ऐतिहासिक भी है और धार्मिक भी है। हमारे गांव में ये धार्मिक मान्यता भी इसकी है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सरकार अगर इसको इसके उत्थान के लिए कुछ करना चाहे तो हम सरकार के बहुत आभारी रहेंगे ताकि ये भविष्य में भी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये यादगार चीज़ें बनी रहे। मेरी शादी को 55 साल हो गए और हम यहाँ पे शादी हुई थी तब तो बच्चे थे, पर फिर बाद में पता चला भी यहाँ पे गरुड़ और नाग की लड़ाई हुई थी। तब ये पानी पोखर हमारी बहुत पुरानी है, हमारे बुजुर्ग बताते थे। तो हम इस का पानी भी पीते थे, इतना साफ सुथरा होता था ये पानी ना, बस पीते भी थे इसको और यूज भी करते थे, डंगर पशु भी पीते थे। सरकार से ये करते अपील कर रहे हैं भी इसका कुछ ना कुछ किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को भी आगे ये चीज़ें बताएं भी ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है और इसको आगे भी कायम हो। सिटी चैनल के लिए अर्की से राकेश कुमार की रिपोर्ट।